बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शकीला। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार यूनिक सा नाश्ता। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन में 2 चम्मच घी जो है वो गर्म कर दिया है। आलू मैंने लिए हैं, उसको छील के अच्छे से धो के उसके मैंने इस तरह से गोल गोल कतले काट लिए हैं। अब इन आलू के पीसेस को मैं फ्राई पैन में फ्राई करूँगी। सारे पीसेस इस तरह से रख के हल्की आंच पे इनको एक साइड से फ्राई करूंगी। आलू मेरे फ्राई हो रहे हैं, अब मैं इनके ऊपर थोड़ा सा नमक भी शामिल करूंगी। हल्का सा चुटकी सा नमक सारे आलू के ऊपर इस तरह से। ये आलू के पीसेस एक साइड से हल्के से फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इन सब की साइड चेंज करूँगी। अब दूसरी साइड से इनको हल्का सा फ्राई किया करूँगी। अब इस साइड पे भी हल्का सा एक चुटकी नमक ऊपर ऐसे डाल के अब हल्की सी मैं सुर्ख पिसी हुई लाल मिर्च वो इस पे डालूँगी। पांच अदद मैंने अंडे लिए हैं, अंडे मैंने देसी लिए हैं। अब एक एक करके अंडों को इस तरह मैं ऊपर खोल के इनको डालती जाऊंगी। अंडों को फेंटना नहीं है, इसी तरह से इनकी जो जर्दी है वो इसी तरह से रखनी है। 5 अंडे इसी तरह मैं ऊपर डाल दूंगी। अब इनको हल्का सा जर्दी को बस खोल दूंगी ताकि अच्छे से ये अंदर से पक जाए। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। अब मैं मोटी कुटी लाल मिर्ची वो इसके ऊपर हल्की सी डाल रही हूँ। ज़्यादा इसको स्पाइसी नहीं करना है, लाइट सा हमने बनाना है। एक चुटकी ज़ीरा, एक चुटकी नमक, फिर इनके ऊपर अंडे के ऊपर हरी मिर्च मैंने बारीक काट के रखी थी वो थोड़ी सी, एक हरी मिर्च मैंने काटी थी, और थोड़ा सा धनिया हल्का हल्का इसके ऊपर इस तरह से फैला देना है। एक चुटकी सुर्ख पिसी हुई लाल मिर्च वो इसके ऊपर हल्की सी इस तरह से डाल देनी है।
अब इसे मैं 6 से 7 मिनट तक ढक के हल्की आंच पे पकाऊंगी ताकि हमारे जो ऊपर हमने एग डाले हैं आलू के ऊपर ये अच्छे से पक जाए। ये 7 मिनट हमारे हो चुके हैं, अब इसको मैं खोलूंगी। ये हमारा बहुत ही मज़ेदार आलू और अंडे का जो नाश्ता मैंने बनाया तैयार है। चम्मची मदद से इसके मैं पीस करूंगी। बहुत ही मज़ेदार यूनिक सा ये ब्रेकफास्ट हमारा नाश्ता जो है वो तैयार है। इसको ऑमलेट तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत ही मज़े का है आलू और अंडे का। इसको छुरी की मदद से इस तरह से लदा कर लें, आसानी से हो जाएगा। बहुत ही लाइट बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता। इसको ब्रेड के साथ भी आप ले सकते हैं, पराठे के साथ भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच जाए। ये देखें, इसकी जो सफ़ेदी है अंडे की वो भी बड़ी फ्लफी सी तैयार हुई है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह ताला आपके और हमारे रिस्क में इजाफ़ा करे। आमीन सुम आमीन।